तो आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक लाजवाब सी प्रॉपर्टी होने वाली है, जो कि अपने गांधी पथ पर लोकेटेड है और अपने जो मानस हॉस्पिटल है उसके बहुत नज़दीक ये प्रॉपर्टी होने वाली है। मैं आपको बता दूँ, रामपथ अयोध्या नगर के नाम से कॉलोनी है जो कि गांधी पथ पर है। हमारे पास में सिंगल विला है, 3 BHK ये प्रॉपर्टी है, साथ ही एक सर्वेंट रूम भी आपको अलग से यहाँ पर मिलने वाला है। 20x50 के डायमेंशन में प्रॉपर्टी है जो कि 111 गज के अंदर बनी हुई है और फुल फर्निश्ड प्रॉपर्टी होने वाली है। देखिए, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट जिन लोगों का है उन लोगों के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी मैं आज लेकर के आया हूँ और एक अच्छी जगह पर है, क्योंकि देखिए वैशाली नगर के बाद में अगर किसी दूसरी जगह का नाम आता है तो वो आता है गांधी पथ का या फिर गांधी पथ वेस्ट का या फिर वैशाली वेस्ट का, तो उसी जगह पर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आसपास में एमिनिटीज़ की, तो आपको स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ नियरेस्ट मिल जाते हैं। आसपास की अगर लोकेशन देखेंगे, कॉलोनी की पूरी जो है लोकेलिटी देखेंगे, तो पूरी तरीके से बसावट यहाँ पर आपको मिल जाती है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये कॉलोनी आपको मिल जाती है। और देखिए, प्रॉपर्टी का प्राइस भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो लोग चाहते हैं एक लग्जरी प्रॉपर्टी लेना, एक लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी लेना, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ। एक बार फ्रंट एलिवेशन देखिए, बिल्कुल डिफरेंट आपको फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, डिफरेंट यहाँ पर टेरेस आपको देखने को मिलेगा। बाहर के साइड में आप देखेंगे गेट के जस्ट पास में ही ये जो देख रहे हैं आप पिलर्स, इन पे भी आपको जो है मार्बल का वर्क करके दिया गया है। कुछ इस तरीके से आपको डोर मिल जाता है मेन एंट्रेंस पे, काफ़ी हैवी है, प्रीमियम डोर आपको दिया गया है। डीको स्प्रे यहाँ पर करके आपको मिल जाता है। यहाँ से जैसे आप आगे की तरफ आएंगे, मूव करेंगे आगे की ओर, तो यहाँ पर देखेंगे बढ़िया सा आपको मिल जाता है पार्किंग का स्पेस, जहाँ पर आप अपनी बड़ी से बड़ी कार इजीली पार्क कर सकते हैं। इतना बढ़िया स्पेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पानी की या सीवरेज की, तो दोनों ही सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। वाटर टैंक प्रोविजन आपको प्रोवाइड कराया गया है। 111 गज के अंदर प्रॉपर्टी है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस होने वाला है इसका 1,25,00,000 रुपये और 111 गज में 3 BHK विथ सर्वेंट रूम के साथ में ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है छोटा लोबी का स्पेस, जहाँ पर आप चाहें गमले वगैरह लगा करके इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। PVC का वर्क ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत प्यारा खूबसूरत आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉपलेट्स लगा करके दिए गए हैं। इस साइड में देखेंगे तो साइड विंडो आपको देखने को मिल रही है, किचन के साथ में अटैच होते हुए हैं। इस साइड में आप देखिए, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो बढ़िया शैंडलियर आपको मिल जाता है, मतलब मकान की जो खूबसूरती है वो बाहर से आपको देखने को मिल जाएगी और अंदर तक आपको देखने को मिलेगी, और बहुत खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है। इंटीरियर वर्क भी यहाँ पर बहुत प्यारा करके दिया गया है। बाहर की तरफ देख रहे हैं बड़ी विंडो है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। ये स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है एज पर वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। अब आप देखिए डोर की जो क्वालिटी है और डोर का जो लुक है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल जाता है। हैंडल्स काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड कलर के फिनिश के साथ में आपको दिया गया है। अब जैसे आप आगे की ओर आएंगे थोड़ा और, तो देखेंगे इसका लिविंग एरिया काफ़ी स्पेशियस साइज में आपको प्रोवाइड कराया गया है, जहाँ पर कि पीछे वाली वॉल पर आप देखिए वॉलपेपर का कुछ लाइटिंग वर्क और साथ ही वुडन का जो वर्क करके दिया गया है वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी प्रीमियम है। ऊपर जस्ट के AC आपको लगा हुआ मिल रहा है। जस्ट ऊपर की साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है इसका फुल सीलिंग का वर्क, जहाँ पर आपको 2 शैंडलियर लगा करके दिए गए और बीच में आपको मिल जाता है इसका फैन और कुछ फैंसी लाइट्स यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा एनहांस कर रही है। सोफ़ा आप देखिए, काफ़ी प्रीमियम सोफ़ा यहाँ पर आपको मिल जाता है और डाइनिंग एरिया भी इसके पास में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस साइड में आपको देखने को मिल रहा है। 6 सीटर डाइनिंग एरिया है और स्पेशियस साइज में आपको मिल रहा है। और जस्ट के उस साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से किचन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम टूर कर लेते हैं इसका किचन का ही। अभी देखिए, जब किचन में आप जाएंगे तो उससे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर की होल्डर दिया गया है, तो यहाँ पर अपनी जो कीज है उनको आप होल्ड कर सकते हैं। दिया जाता है इसका किचन। किचन का साइज काफी स्पेशियस है। ग्लेन की चिमनी यहाँ पर आपको लगा, ग्लेन की यहाँ पर चिमनी आपको, सॉरी, पिजन की चिमनी लगा करके दी गई है और ग्लेन का यहाँ पर हॉक लगा करके दिया गया है। एल शेप में काउंटर टॉप है ग्रेनाइट के वर्क के साथ में। ऊपर के साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स, नीचे के साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स आपको दिए गए हैं और जितने भी कैबिनेट्स हैं सारे के सारे आपको जो है ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ में है। इस साइड में प्रॉपर आपको बड़ा सिंक एरिया है, जितने भी सैनिटरी फिटिंग है वो सारी की सारी आपको सैरा की करके दी गई है। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन है और सनलाइट भी प्रॉपर आ रहा है। ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फॉल्स सीलिंग का वर्क है, जहाँ पर कॉप लाइट, कंसील लाइट वगैरह लगा करके दी गई है। सच में एक प्रीमियम प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं गांधी पथ पर, तो आपके लिए अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि 20x50 के डायमेंशन में है। डायमेंशन भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक छोटा पाउडर रूम आपको दिया गया है। ये देखिए इस साइड में आपके घर में कुछ गेस्ट ऐसे जिनको आप अपना पर्सनल बाथरूम यूज़ नहीं करने देना चाहते, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड आपको कराया है। और आप फ्लोर प्लान भी देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट फ्लोर प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
सभी बेडरूम के आपको जो है इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने में मिलेगा। तो ये है इसका पहला बेडरूम साइज, काफी स्पेशियस बढ़िया साइज है। दोनों ही साइड में कुछ आपको देखें इस तरीके से ये हैंगिंग लाइट्स आपको लगा करके दी गई है और इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा है। पीछे की साइड में देखिए बेड के हेल्प कुशन वर्क आपको दिया गया है, जस्ट पीछे की साइड में आपको वॉलपेपर है और उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाता है इसका फोम स्लिंग कवर, जहां पर आपको प्यारी प्यारी सी जो है स्ट्रिप लाइट्स लगा करके दी गई है। एक तरफ देखिए यहाँ पर कितना प्यारा ये मिल जाता है आपको वार्डरोब, सच में देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रीमियम बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड में आपको मिलता है इसका एलईडी पैनल, पैनल का साइज काफी स्पेशियस आपको बढ़िया दिया गया है और पीछे आता है इसका बैकयार्ड का एरिया, कुछ इस तरीके से बैकयार्ड का एरिया है जहाँ पर कि आप चाहें अपने अकॉर्डिंगली जगह को यूज ले सकते हैं, स्टोर रूम की तरह या फिर आप चाहें वॉशिंग एरिया की तरह जगह को यूज में ले सकते हैं। ये है इसका जो है अटैच बाथरूम, साइज काफी स्पेशियस यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पर दी गई है वो सारी की सारी ब्रांडेड है। इस साइड में आपको वॉल फिटेड माउंट और जो है यहाँ पर आपको शेड मिल जाती है। शावर देखिए कितना प्यारा शावर यहाँ पर आपको मिल रहा है बिल्कुल टॉप पे, और ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो पीवीसी का वर्क यहाँ पर आपको करके दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर में आपको पूरी तरीके से टूर करा चुका हूँ। लेकिन देखिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग जयपुर शहर के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा एलईडी यहाँ पर आपको लगा करके दिया गया है, काफी अच्छे साइज में आपको मिल रहा है और देखिए प्रीमियम लुक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से वॉश बेसिन का एरिया, जहाँ पर आप चाहें हैंड वॉश वगैरह करना तो वो कर सकते हैं। स्टेयर्स का जो नीचे का पार्टीशन है तो पूरी तरीके से यूटिलाइज किया गया है, जहाँ पर अगर आप चाहें कोई सामान वगैरह रखना या फिर इन्वर्टर वगैरह रखना तो वो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। स्टेयर्स आपको अंदर से मिल रही है और ऊपर भी आपको एक हॉल मिलेगा इसके, बढ़िया बढ़िया फैंसी लाइट्स जो कि मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। एक यहीं पर आपने देखी, एक इस साइड में है, एक बीच में है, एक ऊपर की साइड में है, तो आप ये सारी चीजें देखते हुए आइएगा, आपको मजा आएगा प्रॉपर्टी देखने में, एक अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी। और जो स्टेयर्स है वहां पर भी आपको जो है लैंप फुट लैंप लाइट लगा करके दी गई है ताकि आपको नाइट के समय विजिबिलिटी बनी रहे और आपका पैर वगैरह स्लिप ना हो। यहाँ पर देखिए बहुत प्रीमियम सी प्यारी सी लाइट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, वॉल पे कुछ प्यारे प्यारे से यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए हैं। और यहाँ से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर को, जहाँ पर आपको दो बेडरूम्स मिल जाते हैं बड़े बड़े साइज के साथ में, तो आ जाइए। लेकिन देखिए अपने उन दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग प्रॉपर्टी जयपुर शहर में वैशाली वेस्ट गांधी पथ के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला बेडरूम देख लेते हैं, बहुत अच्छे साइज में बेडरूम है, बेडरूम का साइज काफी स्पेशियस। मैंने आपको कहा था कि सभी के जो इंटीरियर वर्क है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बेड के हेड पे आपको कुशन वर्क देखने को मिलेगा। पीछे के साइड में आप देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा वुडन वर्क करके दिया गया है, जस्ट उसके ऊपर की साइड में आप देखिए कुछ लैंप लाइट लगा करके दी गई है और दोनों ही साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हैंगिंग लाइट मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बना करके दिया गया है, आपने देखा होगा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर स्टडी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। ऊपर के साइड में देखिए बिल्कुल डिफरेंट आपको मिल जाता है फुल सीलिंग का वर्क, देखिए सभी रूम्स के साथ में हॉल के साथ में आपको डिफरेंट फुल सीलिंग का वर्क मिलेगा और ये बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है, आपको ऐसा लुक पहले कभी किसी विला में देखने को नहीं मिला होगा, बिल्कुल अलग। सामने देखिए एलईडी पैनल है जहाँ पर आप बड़े से बड़ा एलईडी इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, नक्शा बहुत प्यारा है, प्रीमियम यहाँ पर जो है फ्रूट प्लान है, साथ ही इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि प्राइस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है जो कि यहाँ पर 1,25,00,000 रुपये होने वाला है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी को परचेज या विजिट करना तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका ड्रेसिंग एरिया और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से वार्डरोब, ये है यहाँ पर इसका बाथरूम साइज काफी अच्छा है। ऊपर के साइड में आपको मिल जाता है शावर एरिया और यहाँ पर आपको दिया गया है ये सेरा की फिटिंग के साथ में कुछ इस तरीके से वॉश बेसिन, स्पेस काफी अच्छा है यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके तीसरे बेडरूम की ओर और देखेंगे इसका थर्ड बेडरूम कैसा होने वाला है, लेकिन हम लोग पहले देखेंगे इसके हॉल को, जिसका हॉल है वो कैसा लुक के साथ में मिल रहा है। तो बढ़िया हॉल का लुक यहाँ पर नीचे की साइड में बैक साइड में देखने को मिलेगा, बहुत प्रीमियम लुक यहाँ पर आ रहा है देखिए इस वाली वॉल के ऊपर, और कुछ इस तरीके से फोटो फ्रेम्स यहाँ पर लगाए गए हैं, स्ट्रिप लाइट्स लगा करके दी गई है जिससे कि इसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर करके आ रही है। अभी चलेंगे हम लोग इसके तीसरे बेडरूम की ओर, साइज काफी स्पेशियस बढ़िया साइज आपको प्रोवाइड कराया गया है, इसे आप लोग किड्स रूम की तरह यूज ले सकते हैं या फिर चाहें तो मास्टर बेडरूम की तरह भी ले सकते हैं। रूम का साइज थोड़ा उन बेडरूम्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। पीछे की वॉल पे देखिए ट्रोल वर्क करके दिया गया है, साथ ही आपको वुडन वर्क है और कुछ प्यारे प्यारे से खूबसूरत से यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि आपको जो लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा है। पीछे देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पर इसका फुल सीलिंग का वर्क सच में बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है आपको बढ़िया एलईडी पैनल जो कि जहाँ पर आप बड़े से बड़ा एलईडी इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। रूम के साथ में फिर से अटैच बाथरूम आपको दिया गया है,
देखिए सभी रूम के साथ में अटैच बाथरूम आपको मिल रहा है। ये है इसका बाथरूम बढ़िया साइज के साथ में, और ऊपर की साइड में पीवीसी का वर्क है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेरा की फिटिंग करके दी गई है, और यहाँ पर भी आपको ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड कराया गया है। अभी हम लोग देखेंगे इसकी बालकनी, जो कि काफी बढ़िया साइज में और काफी बढ़िया इंटीरियर के साथ में आपको मिल रही है। मगर आपको फील आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद में कि हाँ यार प्रॉपर्टी ली है, और प्रॉपर्टी लेनी हो तो ऐसी लेनी चाहिए। ऊपर की साइड में देखिए वहाँ पर आपको प्यारे प्यारे से कुछ यहाँ पर जो है लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है, और कुछ इस तरीके से बड़ी बालकनी मिल जाती है। आसपास की कॉलोनी आप देखिए, बहुत बढ़िया कॉलोनी, पूरी पीसफुल एरिया है, मतलब शांति पूरी आपको मिल जाती है कॉलोनी के अंदर। और प्राइस है इसका 1,25,00,000 रुपये, जो कि यहाँ पर 80% लोनेबल ये प्रॉपर्टी होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके रूफ टॉप पर, जो आपको मिल जाता है यहाँ पर इसका रूफ टॉप पे गार्डन, और साथ ही आपको एक सर्वेंट रूम आपको दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप देखिए यहाँ पर इसका प्यारा शैंडलियर, बहुत खूबसूरत शैंडलियर है, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा चार चांद लगा रहा है। क्या आपने ऐसी प्रॉपर्टी और कहीं देखी है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जा करके बताइएगा। अगर नहीं देखी है तो कॉमेंट कीजिए, हम आपको विजिट कराएंगे ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी को। अभी ऊपर भी एक बाथरूम दिया गया है, यहाँ पर देखिए बढ़िया साइज में बाथरूम है, और बहुत अच्छा साइज है। शावर एरिया प्रॉपर आपको दिया गया है, सर्वेंट रूम आपको दिया गया है, तो आप उनको जो है यूज करने के लिए दे सकते हैं। बढ़िया तरीके से ये है सर्वेंट रूम, बढ़िया साइज में सर्वेंट रूम भी आपको दिया गया है। देखिए ऊपर की साइड में आप देखिए, अपने अकॉर्डिंग यूज दे सकते हैं वैसे आप, लेकिन सर्वेंट रूम की तरफ यूज नहीं पाएंगे। ये है पीछे टेरिस का एरिया, आपने बहुत सारे विला के अंदर देखा होगा, दो टेरेस मिलती हैं, एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं जैसे इस प्रॉपर्टी में किया है। तो आ जाइए देखते हैं फ्रंट साइड से कैसा होने वाला है। ये यहाँ पर आ जाता है इसका रूफ टॉप पे गार्डन, कुछ इस तरीके से बढ़िया प्रीमियम से लुक के साथ में, और ग्रास वगैरह सब आर्टिफिशियल ग्रास लगा करके दी गई है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया गया है, शाम के समय बहुत अच्छा लुक आने वाला है। ऊपर के साइड में टाइल्स वर्क है, और कुछ इस तरीके से रियल प्लांट्स हैं, यहाँ पर भी रियल प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। तो प्रॉपर्टी जो मैंने आज आपको ये विजिट कराई है, ये प्रॉपर्टी हमारे 20x50 के डायमेंशन में, यानी कि 111 गज के अंदर बनी हुई है। JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, ईस्ट फेसिंग के साथ में है। 1,25,00,000 रुपये इसका प्राइस है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।